दरोगा साहब से जाम न हटाया गया तो क्या, हाथ ही तोड़ दिया। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। रेलवे बस स्टेशन के सामने मंगलवार की दोपहर को जाम लगा। जाम लगने पर दरोगा साहब ने बस चालक को पीट दिया और पीटा भी ऐसा कि उसका हाथ ही टूट गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के रहने वाले संदीप मिश्रा सिद्धार्थनगर डिपो में बस चलाते हैं। मंगलवार की दोपहर में 1:30 बजे सिद्धार्थनगर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ से जाने के लिए बस मोड़ रहे थे। इसी बीच स्कूल की छुट्टी हुई होने की वजह से स्टेशन रोड पर लंबा जाम लग गया। यातायात व्यवस्था संभाल रहे कैंट थाने के दरोगा सूरज पटेल ने संदीप से बस हटाने के लिए कहा। देरी होने पर डंडा ही चला दिया। डंडा ऐसा चला कि ड्राइवर के दाहिने हाथ पर जाकर लगा। आरोप है कि डंडा लगने की वजह से ड्राइवर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने सड़क पर बस खड़ी कर दी और जाम लगा दिया। दरोगा पर कार्रवाई करने के साथ ही ड्राइवर को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद रोडवेज के कर्मचारी उनके समर्थन में आ गए। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। सड़क पर बस खड़ी करके जाम लगा दिया और नारेबाजी भी शुरू कर दी। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। मामला बढ़ने पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आरोपी दरोगा सूरज पटेल को लाइन हाजिर कर दिया। अन्य मांग पूरी होने का भरोसा मिलने पर और आरोपी दरोगा पर कार्रवाई होने का भरोसा देने पर जाम खत्म हुआ। SSP ने पिटाई करने वाले दरोगा को लाइन हाजिर होने की जानकारी देकर दोपहर 2:30 बजे जाम को खत्म करवाया और भरोसा दिया कि अधिकारियों से बात करके कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करेंगे। इस दौरान लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज व सिद्धार्थनगर जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचे यात्री काफी परेशान हुए। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।